वेलकम टू बहुजन परिवार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये केवल नाम ही नहीं बल्कि एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोग सिर्फ बेसिक ही जानकारियां जानते हैं, पर किसी ने ये सच ही कहा है कि जितना उनको अधिक से अधिक पढ़ते जाओगे उतना ही आप सबको थोड़ा लगेगा। इस संघर्षपूर्ण जीवन का एक वाक्य हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको आप जानकर उनके हौसलों को झुक के सलाम करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बात तब की है जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सत्याग्रह गति पकड़ रहा था। 19 जुलाई 1946 को बंबई विधानसभा के मुख्यमंत्री खेर ने फेडरेशन के बारे में बेतुकी टिप्पणी की थी। इसके बाद उस बेतुकी टिप्पणी के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे में एक इंटरव्यू में कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ने का तय कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर स्वर्ण हिंदुओं व मुसलमानों को करने का भी तय कर लिया है। तो सत्ता हस्तांतरण के बाद बनने वाले भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले 7 करोड़ अछूतों का क्या हिस्सा होगा व उनके क्या क्या हक होंगे। उन्होंने कहा कि पुणे का सत्याग्रह तो देश में होने वाले हर शहर के आंदोलन की शुरुआत है और यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है। और वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर ये अच्छे से जानते थे कि सत्याग्रह कोई कॉपीराइट वस्तु नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि सत्याग्रह का रास्ता गांधी व कांग्रेस की कोई बपौती नहीं है और ना ही वह इसके प्रथम प्रणेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को जीतने ही नहीं दिया गया है तो इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें वोट देने से वंचित कर दिया गया है। ऐसी दशा में हमें भी पूना पैक्ट से बांधकर रखना कहाँ का न्याय है। आगे चलकर सत्याग्रह की सफलता का असर ये हुआ कि सरकार को बंबई विधानसभा के चालू सत्र को स्थगित करना पड़ा। तो दोस्तों उस समय ये था डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा चलाया गया सत्याग्रह का असर। इतना ही नहीं, इस हालत की गंभीरता को समझकर कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत करना ठीक समझा और बंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एस के पाटिल खुद सिद्धार्थ कॉलेज बंबई में अंबेडकर से मिले। 27 जुलाई को जोशी व पाटिल, जी हाँ जोशी और पाटिल दोनों ही डॉक्टर अंबेडकर को साथ लेकर पटेल से मिलाने भी ले गए। सरदार पटेल से पुणे में सत्याग्रह व अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस के व्यवहार के खिलाफ 8 अगस्त को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का एक मोर्चा वर्धा में भी निकाला गया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विचार में व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, उसका हित समग्र राष्ट्र के हित से बड़ा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति कांग्रेसी हुए बिना भी महान राष्ट्रवादी हो सकता है। इस दृष्टि से वह किसी भी कांग्रेसी से बेहतर राष्ट्रवादी हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है जो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर पटेल से पत्र के माध्यम से कही। आप लोग खुद ही बताएं, क्या राष्ट्रहित से बढ़कर कोई व्यक्ति महान हो सकता है। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई को मिशन के दीर्घकालीन और अंतकालीन दोनों प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया और पूर्ण पाकिस्तान की मांग की। इस मांग के अनुसार मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को खुला संघर्ष दिवस मानकर नोआरवाली में मुसलमानों ने स्वर्ण हिंदुओं व अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बहुत ही बुरी तरह से पूरे भारत में दंगे हुए। भारत के कई भागों में हुए सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। दोस्तों आज देश के बहुत से लोग व्यक्ति को महान मानते हैं और देश हित को कुछ नहीं समझते। भारत के वासियों को समझना चाहिए कि व्यक्ति कितना भी महान हो जाए पर वो राष्ट्रहित से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।